पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस ने निरंतर प्रहार की कड़ी में शुक्रवार को थाना रावर्ट्सगंज व एसओजी सर्विलांस रावर्ट्सगंज क्षेत्र के सब्जी मंडी से एक डीसीएम ट्रक में आम लादकर उसके बीच आम के कैरेट में गांजा छिपाकर उड़ीसा प्रांत के रायगढ़ से लोड करके रावर्ट्सगंज के रास्ते प्रयागराज ले जा रहे हैं। 4 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा और ट्रक सहित इसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई। इसका खुलासा शनिवार को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर एसवीर सिंह ने किया। कम मत करो करो, कोई आगे पीछे विजुअल चला वाला। सरकारी रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने चेकिंग में एक डीसीएम को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। कल रात 9 बजे चेक करने पर इसमें पाया गया कि आम की पेटियों के बीच में गांजे को छुपा के रखा गया था। जब जांच किया गया तो गांजे की क्वांटिटी लगभग 5 क्विंटल 4 किलो, जिसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग वाहन सहित लगभग 1 करोड़ है, को पुलिस ने बरामद किया है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक छोटू बिंद है, दूसरा सुनील नाम का लड़का है। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा में रायगढ़ा नाम के स्थान से ये गांजे को लेके आए हैं इसको, और इनको प्रयागराज में ही एक ननके बनिया करके व्यक्ति है, उसको सप्लाई देना था और ननके बनिया द्वारा ये कार्य काफ़ी दिनों से किया जा रहा है। चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान जो बैरियर्स और पिकेट्स जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में लगे थे, उसकी वजह से बीच में ये लोग रुके थे, तो इन्होंने तत्काल एकदम आचार संहिता के हटते ही ये कार्रवाई शुरू की और पुलिस की पकड़ में आए हैं। तो क्या सर, ये लोग पहले हाँ जो ननके बनिया है उसका रिकॉर्ड पूर्व का इस तरीके का बताया जा रहा है। अभी पुलिस इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन में सारे बिंदुओं को खंगालेगी कि ननके बनिया जो है, जिनका नाम इन लोगों ने बताया है, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसके किस किस से संपर्क हैं और वो कहाँ कहाँ सप्लाई देता है। उसको पुलिस ने वांछित किया है तो उसको भी शीघ्र ही पकड़ेंगे और इन पर आगे भी हम बड़ी कार्रवाई इसमें गैंगस्टर की करेंगे। तो सर, ये जो तस्कर पकड़े गए हैं, पहले भी कभी कहीं पकड़े गए हैं? अभी इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं देखा है, चेक नहीं कर पाए हैं। अन्य जिलों से भी और अन्य स्टेट से भी इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा यदि पंजीकृत होगा तो उसको सीसीटीएनएस के माध्यम से निकलवा लिया जाएगा, ये विवेचना में आगे आ जाएगा। सर, पकड़ने वाली टीम को हाँ पकड़ने की टीम जो हमारी सर्विलांस की टीम थी और एसओजी की टीम थी, इसमें इंस्पेक्टर साहब हैं रामस्वरूप वर्मा और अमित त्रिपाठी, उनकी टीम है, और सत्येंद्र राय रॉबर्ट्सगंज थाना प्रभारी हैं। इनको 25,000 का इनाम मेरी तरफ से दिया गया है पूरी टीम को। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।